तो दोस्तों मुझे याद आ रहा है कि अभी बीच में कुछ ही समय पहले की बात है जब हमारे DRDO की तरफ से डेवलप की गई अस्त्रा मिसाइल को काफी कुछ क्रिटिसाइज किया गया था कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा। इसका वजन भारी है, इसकी एक्यूरेसी पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी रेंज पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एंड ये सारी चीज़ें हम सभी को देखने के लिए मिली। चाइना के सामने ये उतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी और न जाने किस किस तरह की बातें। लेकिन आप एक बार लॉजिकली सोचिए कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, ये हमारी दोनों ही सेनाएं रशियन और इजरायली मिसाइलों को बाईपास करते हुए अगर भारतीय DRDO द्वारा तैयार की गई स्वदेशी अस्त्र मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से रेडी है और बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल करने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है तो वो बेवकूफ तो होगी नहीं। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है हमारी, बराबर। और सबसे बड़ी बात कि हमें एक साथ दो दो देशों से युद्ध करना है। परिस्थितियां कभी भी ऐसी विकराल हो सकती है जब हमें युद्ध के लिए निकलना पड़े। तो क्या ऐसी परिस्थिति में अच्छी और टेस्टेड मिसाइलों को छोड़कर हम लोग किसी बुरी मिसाइल को चूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बदनाम बहुत किया गया था हमारी अस्त्र मिसाइल को। अब इन्हीं सब के मुंह पर एक चाटा मारते हुए भारतीय वायुसेना ने बता दिया है कि अस्त्र मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह की खबरें निकल कर आई है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए स्पेशली अस्त्र मिसाइल के लिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो यार जब अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया तो इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके डेवलपमेंटल परीक्षण वगैरह के लिए दो Sukhoi-30 MKI को तैयार किया गया था। इन्हीं दो Sukhoi-30 MKI को टेस्ट बेड बनाकर इसके सारे डेवलपमेंटल परीक्षण किए गए। इसी दौरान जो हमारे पास बंशी नाम का एक टारगेट ड्रोन है जो कि हमने ब्रिटेन से खरीदा था, उसके साथ इसकी टेस्टिंग की गई और टेस्टिंग के दौरान हमारी अस्त्र मिसाइल ने बंसी टारगेट ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन भी काफ़ी कम है, साइज में काफ़ी छोटा है, काफ़ी हाई स्पीड है और काफ़ी ज़्यादा मैनवर्स करता है। इसके बावजूद हमारी अस्त्र मिसाइल उसे मार गिराने में पूरी तरह से सफल साबित हुई। और हेड ऑन मोड में बताया जाता है कि 87 किलोमीटर दूरी से ही इस बंशी टारगेट को मार गिराया था, जबकि अस्त्र मार्क 1 की अगर एक्चुअल रेंज देखी जाए तो वो है 110 किलोमीटर। तो दोस्तों अस्त्र मिसाइल की इन्हीं कैपेबिलिटीज को देखते हुए भारतीय वायुसेना और हमारे HAL ने Sukhoi-30 MKI में अब इनके इंटीग्रेशन के लिए काम फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और इसका काफी बड़ा विस्तार किया गया है। यानी भारतीय वायुसेना के बेड़े में जितने भी Su-30 MKI है उनमें से मैक्सिमम के अंदर अब हमारी अस्त्र मिसाइल काम करने वाली है और ये पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी रशियन R-77 को। यानी इसके बाद अब R-77 मिसाइल का कोई भी काम भारतीय वायुसेना के लिए नहीं रह जाएगा। अभी कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि जो हमारी कुछ की संख्या में फ्रंटलाइन स्क्वाड्रन्स हैं इनके अंदर अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन का काम पूरा कर दिया गया है, लेकिन अब बाकी की भी जो स्क्वाड्रन्स हैं उन्हें भी इससे पूर्ण करने की तैयारी कर ली गई है और काम काफी फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। वैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन के लिए Su-30 MKI में आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर रिलेटेड परिवर्तन करने होते हैं और साथ ही हार्डवेयर रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अस्त्र मिसाइल के लिए स्पेशली लॉन्चर बनाए गए हैं जिनका इंटीग्रेशन Su-30 MKI में करने के बाद आप बड़ी आसानी से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी चीजें संभव कैसे हो पाई, तो इसके लिए रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शुरुआती चरण में अस्त्र मिसाइल का जो प्रोडक्शन था वो काफी सीमित दायरे में था, काफी कम की संख्या में इन्हें उत्पादित किया जा रहा था। लेकिन बाद में हमारी फोर्सेस द्वारा जैसे ही इसके बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो रफ्तार थी, जो दायरा था, उसे काफी बढ़ा दिया गया। अब भारी मात्रा में इनका निर्माण किया जा रहा है। अब चूंकि भारी मात्रा में इनका निर्माण किया जाएगा तो डेफिनेटली इनका इंटीग्रेशन भी हम लोग काफी फास्ट ट्रैक कर पाएंगे। और बताया जा रहा है दोस्तों, और बड़ी खुशी की बात है कि 2023 के अंत तक या फिर 2024 के एकदम शुरुआत तक इनका काम पूरा हो जाएगा और हमारे ज्यादातर Sukhoi-30 MKI के अंदर DRDO की अस्त्र मिसाइल्स का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये केवल शुरुआत या फिर अंत नहीं है, इसके बाद काम स्टार्ट होगा रफाल के अंदर। हम सभी जानते हैं कुछ ही समय पहले की बात है जब BDL और Dassault Aviation के बीच में एक MOU साइन हुआ, जिसके तहत BDL जो भी एयर लॉन्च मिसाइलें DRDO द्वारा बनाई गई मैन्युफैक्चर करता है उन सभी का इस्तेमाल रफाल के अंदर वर्ल्ड वाइड किया जाएगा। भारतीय वायुसेना छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रफाल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सारे के सारे BDL द्वारा बनाई गई मिसाइलों को बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे, रफाल के अंदर इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो Sukhoi-30 MKI के बाद में हमारी प्लानिंग यही है कि हमारे रफाल के अंदर भी इन मिसाइलों का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, जिसके बाद हमें यूरोपियन मिसाइलें खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही हमारे तेजस की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि तेजस की भी पूरी सीरीज में इनका इस्तेमाल किया जाने वाला है, और स्पेशली अगर बात की जाए तेजस MK-1A की तो शुरुआती चरण से ही इनके अंदर अस्त्र मिसाइल्स का इंटीग्रेशन होकर ही आएगा। तो कहने का मतलब पूरी भारतीय वायुसेना के लिए रीढ़ की हड्डी बन जाएगी हमारी अस्त्र मिसाइल्स। और अस्त्र मिसाइल्स केवल एक ही नहीं है बल्कि इनके दो तीन वेरिएंट और आने वाले हैं,
तो उनके लिए भी इंतजार रहेगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।